making it official? Are you guys dating? Oh, definitely not. You are the press. So we thought you have some feelings. No, you definitely aap, aapko bhi ho jayengi mamre ke liye feelings. Look at her. Who would not? I think guys and girls would fall for her. I think I'll tell you honestly, it's जो एग्जैक्टली जो लिखा होगा मुझे एग्जैक्ट वर्ड्स याद नहीं है बट देयर इज डेफिनेटली बाय द वे देयर इज समथिंग डिफरेंट फ्रॉम व्हाट आई टोल्ड यू यस्टरडे व्हाट फायर व्हाट्स नॉट देयर आई एम नॉट गोना यूज फायर नो फायर समथिंग बिटवीन मावरा एंड आई बिकॉज़ नॉट इन एनी न्यूज वे बट शी एज आई सेड आई एम फ्रॉम ग्वालियर और बीहड़ के लोगों के बीच में मैं पड़ा हूं और मेरे सामने आप ऐसी कोई फेरी टेल में से निकली हुई प्रिंसेस खड़ी कर दोगे जो मैंने पढ़ी भी नहीं है क्योंकि बहुत महंगी बुक थी तो मेरे लिए इट बिकम्स यू नो देयर इज दिस स्ट्रेंज वाइब एंड आई थिंक दैट कम्स अक्रॉस इन द फिल्म अ लॉट और कुछ न्यूज़ शायद सच भी होती होगी क्योंकि आप इतना टाइम भी स्पेंड कर रहे हैं साथ में एंड आई ऑलवेज ब्लेम इट ऑन द स्क्रिप्ट एंड द डायरेक्टर्स क्योंकि वो आपको इतना इन्वॉल्व करते रहते हैं एवरी डे अगर मैं अपने आप को बोलता रहूँ कि मुझे पी हाइट बढ़ानी है तो शायद मैं लंबा ही हो जाऊँगा एवरी डे व्हेन यू सेइंग आई लव यू टू द सेम पर्सन फॉर लाइक वन ईयर आई थिंक उससे भी कुछ फर्क पड़ता होगा असर होता होगा बट डेफिनेटली आई थिंक मावरा के साथ जो भी क्यों हंस रहा आई थिंक मावरा के साथ मैं ही नहीं आई वुड आई कैन बी वेरी कॉन्फिडेंट इन सेइंग दिस कि मावरा के साथ कोई भी एक्ट करेगा इट्स बाउंड ही इज बाउंड टू हैव दिस वार्म फीलिंग टुवर्ड्स अस बिकॉज़ ऑफ द काइंड ऑफ पर्सन शी इज on this whole thing that how people sometimes you know kind of these stories come up it's very obvious that I find it very funny you find I find it too funny yeah and that's all I feel about it have you had to explain you know no this is the first time you know this is actually very funny to me because I come from a family where my parents would not be bothered about reading something like this so if I would be dating someone I don't think I'm somebody who would be bothered about hiding it or not So it's kind of funny for me that oh someone's trying to say that oh there's something going on but they're not talking about it because I don't think I'm that person and I don't think anything in the world bothers me to say the truth because my family is super cool. But have they ever called you up and said what's happening or nothing? So they just they can't be bothered.